अस्सलाम वालेकुम डियर्स पेरेंट्स, आज हमारा टॉपिक जो है वो सेकंड लास्ट है, इस्लाम एंड द वर्ल्ड। पीएमएस पंजाब का हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है इस्लाम और ये वर्ल्ड किस तरह से एक दूसरे से अटैच्ड हैं, या इस्लाम का जो है वो किस तरह से रोल जो है इस्लाम प्ले कर सकता है, तो सारी चीज़ें देखते हैं हम। इस्लाम हैज़ अ यूनिवर्सल मैसेज ऑफ पीस, जस्टिस एंड पैशन दैट एक्सटेंड्स बियॉन्ड नेशनल, एथिक और रिलीजियस बाउंड्रीज। सो इस्लाम जो है ओवरऑल मैसेज पीस का ही देता है, और इसके अलावा जस्टिस का जो है वो पैगाम आम करता है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल स्टीवर्डशिप क्या है, इस्लाम एम्फसाइजेज इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टीवर्डशिप एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, एंड कॉल्स अपॉन इट्स फॉलोअर्स टू टेक केयर ऑफ द अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेज। इस्लाम जो है वो अर्थ या इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है वो अहकामात हैं, जिसमें एग्जांपल अगर ली जाए तो जब भी आप सल्लम जंग पे जाते थे तो हुक्म होता था तो कि आपने ये जो दरख्त पौधे हैं इनको नुकसान नहीं पहुंचाना, ठीक है। और इसके अलावा अर्थ का भी जो है वो ख्याल रखना है। इसके बाद है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस के बारे में इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम एम्फसाइजेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल जस्टिस एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द मार्जिनलाइज्ड एंड वनरेबल मेम्बर्स ऑफ द सोसाइटी रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन एंड और नेशनैलिटी। इस्लाम ओवरऑल हर चीज़ को जो है वो इनसर्कल करता है, हर चीज़ के बारे में बताता है, क्योंकि वो एक कम्प्लीट कोड ऑफ लाइफ है। वैसे रिलीजन्स जो हैं वो सिर्फ प्रैक्टिसेस मतलब कि बिलीव्स और इन चीज़ों पे जो मतलब कि रिलीजियस बिलीव्स होते हैं उन पे फोकस करता है, इबादात पे फोकस करता है, लेकिन दीन इस्लाम जो है वो ओवरऑल हर चीज़ पे, ह्यूमन की हर चीज़ पे फोकस करता है, जिसमें हमारी सोसाइटी भी आती है और हमारा रिलीजन भी, नेशनैलिटी भी, और जो भी हमारे जो भी मतलब कि ह्यूमंस के राइट्स आते हैं सोशल जस्टिस में हो गया, एनवायरनमेंट में, तो हम वर्ल्ड डिस्कस कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हमारी वर्ल्ड में आती हैं। फिर है हमारा इसी में जो कुछ टॉपिक्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। फर्दर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वेस्ट पे और दूसरों पर इस्लाम का, ठीक है। सबसे पहले इस्लाम जो है वो जब आया था तब ट्रेड और कॉमर्स जो थी वो बहुत ज़्यादा आम थी, तजारत अरब में बहुत ज़्यादा होती थी, तो उसमें डिस्कस कर लेते हैं। इस्लाम एंड द वेस्ट हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स व्हिच हैज़ फैसिलिटेटेड कल्चरल एक्सचेंज एंड इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इसके साथ साथ इस्लाम मतलब कि अगर कोई तजारत करता है तो उनका कल्चर भी जो है वो एक्सचेंज होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम सिंधी हैं तो सिंधी का जो कल्चर है वो अगर किसी और जिस तरह से मुअज़्ज़िब है तो हमारा जो कल्चर है वो इंटरमिक्स्ड हो जाता है आपस में, क्योंकि हम एक तो साथ रहते हैं, दूसरा तजारत में भी, और ये जो काम मतलब कि तजारत जो है वो मिक्स्ड अप करती है कल्चर्स को, ठीक है। एक्सचेंज हो कल्चर एक्सचेंज होता है और इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा होता है इकोनॉमिक सिस्टम पर। फिर आता है इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज। इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज क्या होता है, इस्लाम एंड द वेस्ट हैव आल्सो एंगेज इन इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द गोल्डन एजेस ऑफ इस्लाम व्हेन इस्लामिक स्कॉलर्स मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस टू फील्ड्स सच एज मैथमेटिक्स, साइंस एंड फिलोसफी। इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज में जिस तरह से मतलब कि गोल्डन एज जिसको कहा जाता है, इस्लामिक स्कॉलर्स ने बहुत ज़्यादा काम किया, और मुख्तलिफ जो चीज़ें थी फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स और साइंस, फिलॉसफी और दूसरे ग्रीक्स वगैरह, तो उनमें भी इन्होंने मतलब कि मुस्लिम्स ने अपना किरदार जो है वो अदा किया। इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज ऐसे हुआ मुस्लिम्स का या फिर इस्लाम का। इसके अलावा इन्फ्लुएंस ऑन आर्ट एंड कल्चर। आर्ट और कल्चर का किस तरह से इन्फ्लुएंस हुआ, इस्लामिक आर्ट एंड दी आर्किटेक्चर हैव हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट। जिस तरह से आर्किटेक्चर इस्लाम का मसाजिद और दूसरे जो हैं उनमें देखा जाए, तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट इस्लामिक आर्ट का पड़ता है वेस्ट पे। अब आते हैं हम मुख्तलिफ दूसरे एस्पेक्ट्स और उन चीज़ों पे। वेस्ट का जो है दूसरा इम्पैक्ट कौन सा पड़ेगा, दूसरे इम्पैक्ट जो हैं सबसे पहले पॉलिटिकल और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वर्ल्ड में,
बहुत ज़्यादा हुए, जिसमें इस्लाम एंड द वेस्ट हैव आल्सो बीन इन्वॉल्व इन पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। कौन कौन से मिलिट्री और ये कॉन्फ्लिक्ट में इस्लाम और वेस्ट का जो है वो आपस में हुआ, सबसे पहले जो है वो क्रूसेड्स का जो है इस्लामिक हिस्ट्री में जो है वो मतलब कि इफेक्ट हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ वेस्ट और इस्लाम के दरमियान, मतलब मुस्लिम्स के दरमियान। और मोर रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट जिसको कहा जाए जो अभी मिडिल ईस्ट में जारी है, पैलेस्टाइनियन और दूसरे जो हैं आप एग्जांपल डाल सकते हैं। फिर आता है सेकंड जो है इसमें इमिग्रेशन एंड मल्टी कल्चरलिज्म। इमिग्रेशन भी बहुत ज़्यादा हो गई है, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो कल्चर्स हैं आपस में मिक्सडअप होकर एक मल्टी कल्चरलिज्म बनाते हैं। द इन्फ्लक्स ऑफ मुस्लिम इमिग्रेंट्स टू द वेस्ट हैज़ लेड टू द ग्रोथ ऑफ मल्टी कल्चरलिज्म एंड द डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड कल्चर आइडेंटिटीज़। मतलब कि अब तो वर्ल्ड भी जो है वो हाइब्रिड की तरफ जा रहा है, तो उसी तरह से कल्चर की जो आइडेंटिटीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा कल्चर मिक्सडअप होके दूसरे कल्चर्स को बना रहे हैं। उसके बाद स्टेरोटाइप्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ये भी बहुत ज़्यादा वेस्ट और मुस्लिम्स के दरमियान बढ़ रही हैं, जिसमें इस्लाम इन द वर्ल्ड सॉरी एंड द वेस्ट हैव ऑल्सो स्ट्रगल्ड विद स्टेरोटाइप्स एंड दी मिसअंडरस्टैंडिंग्स। एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो फैल गई हैं कि मुस्लिम्स जो हैं वो हमेशा वायलेंस फैलाते रहते हैं, टेररिस्ट अटैक्स करते रहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना ही मुस्लिम्स ऐसा करते हैं। और दूसरे जो मतलब कि उनकी मिसकंसेप्शन है, हमेशा से ये आयत मैं कोट करती हूँ ताकि एग्जाम्पल जो है वो ज़्यादा वाजे हो जाए। एग्जाम्पल ये है कि मदीना में कुफार जो थे वो बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स को मारते थे, और जब भी वो तिजारत करने या थोड़े मदीना के हदूद से बाहर जाते थे तो वो उनको कत्ल करने की कोशिश करते थे, और बाज़ औक़ात कत्ल कर भी देते थे। तो उस टाइम के लिए, सिर्फ उस टाइमिंग के लिए अल्लाह ताला ने आयत उतारी थी कि आप जहाँ भी काफिरों को देखो तो वहाँ उनको मार दो। लेकिन इस आयत को गलत कोट करके आजकल बहुत ज़्यादा टेररिस्ट अटैक्स और ये फॉर्म्स ऑफ दूसरे फॉर्म्स ऑफ वायलेंस जो है फैलाया जाता है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ये कुरान का हुक्म नहीं है कि आपने जहाँ काफिरों को देखना है वहाँ पे आपने उनको मार देना है। फर्दर आगे चलते हैं, रोल इन दी मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड में जो है वो क्या रोल है मतलब कि इस्लाम का। इस्लाम जो है फर्स्टली सोशल जस्टिस को हमेशा से प्रमोट करता है, तो ये इसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा, जिस तरह से हमने ह्यूमन राइट्स में भी डिस्कस किया और दूसरी टॉपिक्स में भी, तो सोशल जस्टिस जो है वो इस्लाम हमेशा प्रमोट भी करता है और उसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा जो है वो मार्जिनलाइज करता है सोसाइटी में। इसके अलावा प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करने का हुक्म देता है इस्लाम। इसके अलावा जो है प्रोमोटिंग इंटरफेथ डायलॉग, कि कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू अपने फेथ्स को या दूसरों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझते हुए, मुख्तलिफ डाइवर्सिटीज़ की रेस्पेक्ट करते हुए मामलात को हल करना है। फिर एट द लास्ट आता है कम्बैटिंग एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिज्म को कम्बैट करना और टेररिज्म को जो है वो ख़त्म करना। इस्लाम जो है हमेशा से एक्सट्रीमिज्म को जो है वो रिजेक्ट करता है, टेररिज्म को भी रिजेक्ट करता है। कभी भी इस्लाम ज़बरदस्ती दीन को कायम करने के लिए नहीं कहता। फिर फर्दर नेक्स्ट जो है एडवांसिंग एजुकेशन एंड नॉलेज, नॉलेज और एजुकेशन को फैलाने के लिए, फैलाने की जो है वो तरगीब भी इस्लाम देता है। इस्लाम जो है वो एक बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब कि रिच ट्रेडिशन है स्कॉलर्स और दूसरी लर्निंग्स का, और हमेशा से इनक्रेज करता है फॉलोअर्स को कि वो नॉलेज हासिल करें और एजुकेशन को प्रस्यू करें। अब आते हैं हम रोल इन द मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड में इस्लाम जो है वो कौन सा रोल प्ले करता है, थोड़ा फर्दर इसमें देखते हैं। कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस फॉर द मुस्लिम वर्ल्ड एंड मुस्लिम माइनॉरिटीज़ इन द वर्ल्ड। मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के साथ और दूसरे चैलेंजेस जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में इस्लाम को फेस करने पड़े हैं तो वो क्या हैं, उसमें सबसे पहले जो है आबादी, हमारा रोल इन द मॉडर्न वर्ल्ड। रोल इन द मॉडर्न वर्ल्ड में हमें इस्लामोफोबिया, एक्सट्रीमिज्म, इस्लामोफोबिया जो है मुस्लिम्स या इस्लाम के खिलाफ गलत बातें फैलाना,
जो पर्टिकुलरली वेस्ट में जो है बहुत ज़्यादा फैल गया है। इसके बाद जो है एक्सट्रीमिज्म पे सम एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैव इमर्ज इन द मुस्लिम वर्ल्ड प्रमोटिंग वायलेंस एंड टेररिज्म इन द नेम ऑफ इस्लाम। ये भी सेम इस्लामोफोबिया की तरह ही है, जो बहुत ज़्यादा मतलब कि एक्सट्रीम लेवल पे जब इस्लाम के लिए इस्लाम को एज अ वायलेंस टेररिज्म जो है वो फैलाया जाता है वायलेंस के थ्रू। इसके बाद है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं वो इन चीज़ों को फेस कर रही हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वीक गवर्नेंस और इकोनॉमिक चैलेंजेस जिस तरह से हो गया, और जो बहुत सारी चीज़ें जिस तरह से वो पॉवर्टी की तरफ लीड किए जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन जैसे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में आते हैं। इसके बाद सेक्टेरियनिज्म जो है, द मुस्लिम वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड अलॉन्ग सेक्टेरियन लाइन्स, पर्टिकुलरली बिटवीन सुन्नीज और शियाज का जो मोस्ट कॉमन कॉन्फ्लिक्ट है। फिर है वुमेंस राइट, वुमेंस के राइट के जो हैं, फॉर एग्जांपल मुस्लिम वुमेन फेस वेरियस चैलेंजेस इंक्लूडिंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ केयर एंड रिस्ट्रिक्टिव कल्चरल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मॉडर्न वर्ल्ड में मुस्लिम्स को जो है वो फेस करनी पड़ रही हैं। इसके बाद जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो ओवरऑल वर्ल्ड भी फेस कर रहा है मुस्लिम्स के साथ साथ, वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज एक तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। सिंपली बस प्रॉब्लम बतानी है, सेवरल मुस्लिम मेजॉरिटीज कंट्रीज आर वल्नरेबल टू द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, जिस तरह से सी लेवल का राइज हो जाना, ड्रॉट्स ज़्यादा बढ़ जाना और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो भी जो आजकल भी अगर एग्जांपल करंट सिनेरियो में लिया जाए दुबई और दूसरे जो ममालिक हैं उनका, वो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हैं। इसके बाद है ग्लोबलाइजेशन जो एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ गई है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ ब्रॉट मैनी बेनिफिट्स, हर चीज़ के बेनिफिट्स भी होते हैं तो फिर दूसरी तरफ उनके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। बट इट हैज़ आल्सो लेड टू कल्चरल एंड रिलीजियस होमोजेनाइजेशन, कल्चर भी आपस में मिक्सडअप हो रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की तरफ वजह से, और इसके अलावा रिलीजियस होमोजेनाइजेशन भी बढ़ रही है। व्हिच हैज़ इफेक्टेड द मुस्लिम वर्ल्ड्स कल्चरल एंड रिलीजियस आइडेंटिटीज, तो मुसलमानों के कल्चर और रिलीजियस आइडेंटिटीज पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट कहा जाए तो बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। तो इन चीज़ों के लिए इस्लाम ने जो हमें अहकाम दिए हैं, जो मतलब ओवरऑल सब कहते हैं कि ये प्रॉब्लम्स तो हैं लेकिन हमें इनको सॉर्ट आउट कैसे करना है, तो सॉर्ट आउट जो है वो दीन हर चीज़ के बारे में बताता है कि आपने हर चीज़ में मयाना रवि रखनी है, और जो 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 भी मतलब आपसे असलम ने प्रैक्टिसेस करके दिखाई हैं हर चीज़ को, तो उनको भी मद्देनज़र रखते हुए हमें जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस्लाम एंड द वर्ल्ड के बारे में या ओवरऑल इस्लामिक स्टडीज़ के PMS के सिलेबस के बारे में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम आपको ज़रूर इसका आंसर देंगे आपके क्वेश्चंस का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।